भाग्य मिला है, सौभाग्य का लाभ उठाना है, क्योंकि स्वयं साक्षात्कार भगवान नारायण मेरे दरवाजे पर भिक्षुक बनकर के खड़े हैं और यह मौका मैं अपने हाथ से चले जाने दूं? नहीं गुरुदेव, भगवान दरवाजे पर भिक्षुक बनकर के खड़े हैं, मेरे गोविंद मेरे प्रभु दरवाजे पर खड़े हैं और मैं उनसे जाकर कहूं जाओ यहां से, खराब नहीं हो सकता, अब तो मैं जो मांगेंगे वही दूंगा इनको। गुरु जी ने कहा तुम मेरी बात ठुकरा रहे हो। राजा बलि ने कह दिया भगवान अब तो कुछ भी हो, मेरे प्रभु मेरे दरवाजे पर मांगने आ गए हैं तो मैं उन्हें खाली हाथ नहीं रहूं। इतना बड़ा ऐश्वर्य है मेरा, इतना बड़ा ऐश्वर्य है मेरा जो कि भगवान को स्वयं मांगने आना पड़ा है, इससे बड़ा मौका कब मिलेगा मुझे जीवन में, इससे बड़ी आनंद की सहानुभूति कब होगी कि ठाकुर जी दरवाजे पर भिक्षुक बन करके खड़े हैं और मैं उनका तिरस्कार कर दूं? नहीं गुरुदेव। वामन भगवान ने राजा बलि से कहा सुनो देर हो रही है, हम इतनी देर रुकते नहीं है कहीं, ये गुजर गुजर क्या कर रहे हो तुम, संकल्प करना चाहते हो या जाएं हम? राजा बलि ने कहा हमारे गुरु जी है ना संकल्प पढ़ना नहीं चाहते। वामन भगवान ने कहा तेरे गुरु जी संकल्प नहीं पढ़ना चाहते राजा बलि, तो हम भी ब्राह्मण हैं, संकल्प का पात्र ले आ, हम पढ़ लेंगे अपने आप। राजा बलि चलने लगा, शुक्राचार्य जी ने रोकने का बहुत प्रयत्न किया लेकिन नहीं रोकने में आए। राजा बलि के पास में आ गए, वामन भगवान के पास राजा बलि, लेकिन शुक्राचार्य जी ने एक छोटा सा रूप धारण किया, भवरा बनकर के सागर की टोंटी में बैठ गए, जल नहीं गिरेगा, समय निकल जाए ऐसे ही तो शायद है कि मेरे शिष्य का सब कुछ बच जाए, आ सकती। लेकिन भगवान ने जल गिराने से पहले ये कुसा को उठाया और कुसा को उठा करके सागर की टोंटी में अंदर डाल दिया और एकदम से अंदर डाला हाँ, सीधा शुक्राचार्य जी की आंख पर जाकर के लगा एक बाजार बंद। शुक्राचार्य जी देख रहे हैं यहीं बैठा रहा तो दूसरी को भी फोड़ देगा या मानेगा नहीं, अभी तो एक ही फोड़ी है, दूसरी आंख को भी फोड़ ही देगा अगर यही रुका रहा तो, इसलिए निकल करके भाग गई है। और जैसे भागे जल गिरा और जैसे जल गिरा भगवान ने संकल्प पढ़ा और जैसे संकल्प बोला राजा बलि आज्ञा दो, आपने दो तीन पगों का संकल्प किया है ना वह नाप लेता हूं मैं। राजा बलि हाथ जोड़ करके बैठे हाँ प्रभु जी नाप लो आप। भगवान ने अपना त्रिगुणात्मक रूप बढ़ाना प्रारंभ किया जाती देखा है, अभी राजा बलि घुटने नीचे डाल करके नीचे झुक करके नीचे से मुख को ऊपर करके भगवान को देख रहा था, लेकिन आज वही त्रिगुणात्मक रूप बढ़ते बढ़ते आकाश में चला गया, पैर जमीन पर है, सर की चोटी आकाश में लगी है, राजा बलि देखते देखते ऊपर की तरफ हो गया है भगवान के स्वरूप का चिंतन करते करते। और भगवान ने एक पैर उठाया चल बितल सारे लोगों को नाप दिया हमारा, उसके बाद में दूसरा पैर उठाया है आकाश लोगों को नाप